तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मुंबई से साईं बाबा के धाम शिरडी। शिरडी जाने के लिए हमने महाराष्ट्र का फेमस मलसेज घाट वाला रूट चुना है। इस घाट की सुंदर सुंदर घाटियों से होते हुए हम यहाँ की मक्खन रोड पर ट्रैफिक को दूर छोड़ते हुए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे गाँव के बीच से होते हुए, हम महाराष्ट्र की मोस्ट फेमस नसीब वड़ा पाव सेंटर से वड़ा पाव का मजा लेते हुए शिरडी एयरपोर्ट से होते हुए साईं बाबा के मंदिर पहुँचेंगे। ये वीडियो आपको अपनी जर्नी प्लान करने के लिए काफी हेल्प कर सकता है। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत बदलापुर से की थी। बदलापुर से शिरडी जाने के लिए दो रूट है, जिसमें एक इगतपुरी वाला रूट है और दूसरा मलसेज घाट वाला रूट। मलसेज घाट वाला रूट हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम रहता है, प्लस यहाँ की रोड बहुत अच्छी है। अभी हम बदलापुर गाँव को क्रॉस कर रहे हैं। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत सुबह 7 बजे करी थी और यहाँ से शिरडी की दूरी 218 किलोमीटर है, जिसे हम 4 घंटे और 42 मिनट में पूरा करेंगे, ऐसा हमारा जीपीएस बता रहा है। अभी हम स्टेट हाईवे 35 पर हैं और रोड काफ़ी अच्छी है। बीच में छोटे छोटे गांव हैं और हम बहुत सारे फार्म हाउस और जंगल से होते हुए ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। बस आधे घंटे की ड्राइव और हम पहुंच गए नेशनल हाईवे 61 पर। अगर आप वाया कल्याण से इस रूट पर आएंगे तो आप नेशनल हाईवे 61 से ही आएंगे। अभी हमने देवगांव क्रॉस कर लिया है और ये सामने महाराष्ट्र की राज्य मार्ग परिवहन की स्टेट बस चल रही है। रोड की बात कर ले तो अभी तक ट्रैफिक हमें बहुत ही हल्का हल्का मिला है और फिलहाल रोड मक्खन जैसा स्मूथ है। इस रास्ते में आपको पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप जगह जगह पर मिल जाएंगे। हम छोटे छोटे गांव और शहर जैसे कि मुरबाद, सिवाला, समझगांव, टोकेवाड़े को क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन शिरडी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब जल्दी ही मलसेज घाट आने वाला है। सामने जो ऊंची ऊंची पहाड़ी आप देख रहे हैं, यहीं पर नैनाघाट ट्रैकिंग पॉइंट है। ये जगह ट्रैकिंग करने वालों के बीच बहुत ही फेमस जगह है। और फाइनली अब घाट का रास्ता शुरू हो गया है। दोनों तरफ खूबसूरत जंगल और हम इसके बीच से होते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने भरंडे रिवर पॉइंट को क्रॉस किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्रॉस स्टॉप के लिए रुके हैं, फोटो खिंचाएंगे। ये देखो लोकेशन, कितना मस्त लोकेशन है ये। ये देखो यहाँ पर ये घाटी है, ये ढलान यहाँ पर किसी, और ये देखिए सामने इतना वाली पहाड़ियाँ हैं। और ये रोड है, यहीं से होते हम जाएंगे अभी शिरडी। बहुत ही मस्त रोड है, अगर आप आए तो इस रूट से जरूर आए, उससे अच्छा रोड है जो नासिक वाला रोड से अच्छा रोड है। ये जगह बारिश के मौसम में देखने लायक होती है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर आपको झरने देखने को मिल जाएंगे और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है और उस समय यहाँ पर घूमने का मजा ही अलग है। आप इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जगह कितनी औसम है। चलिए आप भी थोड़ा व्यू को एंजॉय कीजिए। हमारे राइट में है भैरवा फोर्ट और इस घाट में फोटो क्लिक करने के लिए जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट और फोटो पॉइंट बने हुए हैं, जहां पर हम अपनी गाड़ी खड़ी कर अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं मलसेज घाट व्यू पॉइंट। यहां पर बारिश के समय लाइन से बहुत सारे झरने आपको दिख जाएंगे। अभी हम इस छोटी सी गुफा को क्रॉस करेंगे। हमारे लेफ्ट में है पीपल गांव जोगा डैम। इस डैम में आप बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर ठहरने के लिए भी बहुत अच्छी जगह बना रखी है। इसके आगे से रास्ता थोड़ा खराब हो जाता है, जो कि 5-6 किलोमीटर का होता है। तो अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो कि इतनी मस्त लोकेशन में है। इसका नाम है शिव लीला रेस्टोरेंट। ये सामने बोर्ड है इसका,
और बहुत ही मस्त यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है और वहाँ पर ही साथ में पानी बह रहा है, ये देखिए ब्लू कलर का पानी है और सामने ही मस्त पहाड़ी है। फोटोजेनिक शॉट्स यहाँ बहुत अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पर वॉशरूम भी अवेलेबल है लेडीज जेंट्स के, ये रेस्टोरेंट है और सामने गाड़ी खड़ी है। तो अब हम पहुंच गए महाराष्ट्र का फेमस नसीब वड़ा पाव सेंटर। आप सामने भीड़ देख के समझ ही गए होंगे कि ये वड़ा पाव सेंटर कितना फेमस है। तो ये अंसारी चाचा का प्रसिद्ध वड़ा पाव सेंटर है, यहाँ पे गर्मा गर्म वड़ा पाव मिलते हैं और देखिए कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ लोगों से हमने पूछा था, उन्होंने बोला ये फेमस वड़ा पाव सेंटर है, यहाँ सुबह से लाइन लगती है और शाम तक ये ऐसी लाइन रहती है। जब भी आप आएंगे यहाँ आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी। तो अगर यहाँ पर आप आएँ शिरडी के रास्ते में ये पड़ता है। कैसा है टेस्ट? एक नंबर टेस्ट, एक नंबर है ना, एक नंबर। ये सीढ़ी वाला रोड है और यहाँ इस पर सामने ही पीछे पड़ता है ये वड़ा पाव सेंटर। यहाँ पर आए तो पक्का इस वड़ा पाव सेंटर पर जरूर आए और यहाँ पर वड़ा पाव जरूर टेस्ट करें। फेमस है भाई, फेमस। इतनी लंबी लाइन लगी है देखने से, लोग लाइन लगे खड़े हैं। और ये वड़ा पाव का फेमस वड़ा पाव का खा के टेस्ट बताते कैसा है, जिसके लिए हमने इतनी लंबी लाइन लगाई थी। मस्त है, टेस्ट है कुछ फर्क है उसमें। सुबह 9 से रात के 9 बजे खुला रहता है, आज हमको मिला तो हम यहाँ जरूर खाएंगे। रियली में बहुत टेस्टी है। अगर यहाँ पे समनाथपुर गांव अगर आप क्रॉस करें तो वड़ा पाव सेंटर में जरूर वड़ा पाव है, दिखा दो वड़ा पाव करते रोड पे, हाईवे पे ही है। इस वड़ा पाव सेंटर का डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए सामने अंडर कंस्ट्रक्शन में ATC है, ATC बन रहा है, मतलब अभी ये दूसरा बन रहा होगा ना, एक होगा अंदर ना, हाँ तो ये दूसरा न्यूली कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है ATC का। ATC बोले तो क्या? एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो बन रहा है। तो ये भी तो बन रहा है टावर इतना बड़ा यहाँ पे, क्या बात कर रहा हूँ कभी। अच्छा ये मैं वो सोची वो थोड़ी यही है। अच्छा ये है क्या? अच्छा गोल गोल है ना उसमें। हाँ अच्छा कांच लगेंगे। हाँ ATC, हाँ ये तो समझ में आ गया, ऐसा देखा है वहाँ भी है गोवा में ना ऐसा। हाँ ये नया ATC बन रहा है। और फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट शिरडी के मेन टेम्पल से सिर्फ 16 किलोमीटर है, जहाँ पर रोजाना स्पाइसजेट और इंडिगो की फ्लाइट्स उतरती है। यहाँ से शिरडी का मेन टेम्पल सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। शिरडी बचा है 12 किलोमीटर शिरडी है और फाइनली हम पहुंच गए। हम लोग निकले थे 7 बजे और अभी बज रहे हैं 12, मतलब हमें लगे करेक्ट 5 घंटे में हम शिरडी पहुंच गए हैं। और हम बदलापुर से यहाँ आए हैं, बदलापुर से यहाँ आने में 5 घंटे लगे हैं। और ये देखिए पीछे चल रही है पेट पूजा, ये बाहर का खाते नहीं है तो हमने बोला शिरडी आने से पहले तुम भाई अपना लंच कर लो, हम तो वहीं शिरडी में जाके वहीं भोजनालय में लंच करेंगे। घर का खाना कैसा लग रहा है? मस्त। हाँ शिरडी पहुँचने वाले शिरडी मजा आया क्या? अभी तो आए नहीं, तो आप पहुँचे ही नहीं, इसलिए मजा आ रहा है। शिरडी आने का ये जिस रूट से हम आए हैं वो सबसे बेस्ट रूट लगा हमको, क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रैफिक नहीं है, ऊपर से घाटी का जो व्यू मिलता है वो आपको नासिक वाले रूट में मिलेगा। इगतपुरी का थोड़ा सा घाटी का रूट आता है लेकिन इतना अच्छा व्यू उसमें नहीं मिलता है, उस रास्ते से भी हम गए हैं। ये वाला रास्ता बेस्ट रूट है, एक तो ट्रैफिक नहीं, ऊपर से घाटी का व्यू आप इंजॉय करते हुए यहाँ शिरडी में बाबा के दर्शन करने आए तो बहुत ही अच्छा रूट है। आप और बाकी आपकी मर्जी, आप नासिक या फिर ये मलसेस घाट वाला, आप मलसेस घाट या फिर नासिक वाला रूट, दोनों में से कोई भी रूट आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। तो हम लोग इस रूट से आए हैं वो हम आपने आपको दिखाई दिया है, तो हमें तो ये बेस्ट रूट लगा। और मतलब 5 घंटे तो लगते ही हैं, चाहे आप उस रूट से जाएँ चाहे आप इस रूट से आएँ, 5 घंटे से कम आपको नहीं लगने वाले हैं अपने पर्सनल व्हीकल में। और प्लस बस में तो ज़्यादा ही लगेगा, बस का टाइमिंग तो 8 से 9 घंटे हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं शिरडी में। भक्त निवास साईं बाबा समाधि मंदिर के लिए सीधा जाए, ये बोर्ड लगे। काफ़ी बड़ा होटल है और ये उसका ट्रस्ट का होटल है, यहाँ पे आपको सस्ते रेट में रूम मिल जाएंगे, लगा लीजिए 500 से स्टार्टिंग है। और ये पार्क भी सामने बना हुआ है,
हाँ ये हम इसमें आए थे, रुके थे यहाँ तक आए थे ना, भक्त निवास का पीछे सब दिखाते हुए जा रहे हैं। ये पंजाबी ढाबा, खाने पीने की भी काफी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, एक से एक रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ गए अहमदनगर के लिए राइट जाना, अहमदनगर के लिए राइट जाएं, मनवाड़ के लिए लेफ्ट जाएं, मनवाड़ के लिए लेफ्ट जाएं और बाकी सीधा जाएं। हमारे पीछे आए शिरडी के लिए, हमारे पीछे आए। यहाँ पार्किंग है, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पे ये पार्किंग की सुविधा भी है, वहाँ भी है एकदम मंदिर के सामने ये पार्किंग है, सबसे सेफ पार्किंग यही है। आरती चालू है, उसको बंद होने का लगेगा। गाड़ी के अंदर कीमती सामान नहीं रखने का, मोबाइल कैमरा होगा साथ में लेके आ जाओ, ठीक है। पार्किंग का फ्री लॉकर दिया है इधर ऊपर में, हाँ। वहाँ पे रख सकते हो, शॉप है, शॉप के अंदर फ्री लॉकर दिया है, लॉकर का चाबी मिलेगा आपको, चाबी लेके आने का साथ में। नीचे आदमी है, गाड़ी लगा देगा, कुर्सी पे आदमी बैठा है, थोड़ी काट लाओ। ये आरती चल रही है, ये देखिए पार्किंग। काफी लंबी चौड़ी पार्किंग है और पार्किंग का चार्ज है 80 रुपए 8 घंटे के लिए। और फाइनली अब हम पहुंच गए शिरडी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शिरडी का पूरा टूर कराने वाले हैं और आपको बताएंगे कि सीढ़ी में VIP दर्शन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये मलसेज घाट वाला रूट और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।